फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुबेर, आप देख रहे हैं हम फोटो एडिटिंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ इस टाइप की एडिटिंग। देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने ऐसे अर्थ को पकड़े हैं और जो अर्थ है हमारा थोड़ा सैड है और उसकी वजह से हम भी सैड हो गए हैं। तो मतलब कुछ इस टाइप से मतलब यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग को ऐसा एडिट करना है अपनी फ़ोटो और इंस्टाग्राम में या फिर जहाँ पर भी आप लोग अपलोड करना चाहते हो, तो अगर आप लोग को एडिट करना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और नया जरूर सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो वीडियो को आप लोग को लास्ट तक देखना है। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, साइड के बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ, ज़्यादा आप लोग को समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस टाइप के पोज में एक फ़ोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है। थोड़ा सैड पोज आप लोग को देना है और फोटो क्लिक करवा लेना है। और इसके बाद में आप लोग को क्या करना है, यहाँ से जाना है और इसे शेयर कर लेना है अपने पिक्सार्ट ऐप में। तो फ्रेंड्स, पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद में आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक ऐप लोग को PNG मिल जाएगी अर्थ की, ठीक है। तो आप लोग को इसे यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो ऐड फोटो में जाके, तो ये PNG आप लोग को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को इसे ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा ऐड करने के बाद में अपने हाथों में, और आप लोग को यहाँ पे इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है और फिर बाद में इसे रेज कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से पहले तो मैं ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद इसकी ओपेसिटी आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम करना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है अपने रेजर में, और रेजर में जाने के बाद में आप लोग को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज़ कर लेना है रेजर का, और यहाँ पे आप लोग को रेज कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि मतलब यहाँ पे आप लोग को उंगली को बस निकालना है यहाँ पे, जो भी मतलब सामने आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो, उस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा आप लोग का समय वेस्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर फास्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डन कर लिया हूँ। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑपोसिटी यहाँ पे फुल कर लेना है, और आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने रीज अच्छे से करे हो कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ठीक ठाक कर लिया हूँ। तो ऐसा करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, और आप लोग को एक PNG मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आई इसकी PNG है, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ऐसा आप लोग को ऐड कर लेना है ऐसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और ऐसे हाथों में मतलब थोड़ा सा रहेगा तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया हूँ। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग को कर लेना है डबल, ठीक है। डबल करने के बाद आप लोग को इसे फ्लिप कर लेना है क्योंकि ये मतलब थोड़ी साइड वाली PNG है, ठीक है। तो आप लोग को इसे थोड़ा सा फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसमें क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे इसमें क्लिक कर लेते हैं, तो ये फ्लिप हो गई है, ठीक। कुछ स्टेप से आप लोग को यहाँ पे कर लेना है फ्रेंड्स। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग को जाना है अपने ड्रॉ टूल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ड्रॉ टूल में आने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है अपने ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद एक PNG मिल जाएगी, मास्क की PNG, ठीक है। तो उसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, और कुछ स्टेप से आप लोग को इसे लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कुछ ऐसा करके, और ऐसा लगाने के बाद आप लोग को यहाँ क्या करना है, इसको आप लोग को रेज कर लेना है। तो रेज करने के लिए आप लोग को इसकी ऑपेसिटी को यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ यहाँ पे, जल्दी से मैं रेज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ आप लोग को कर लेना है ब्रश का साइज़, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर आप लोग को रेज कर लेना है। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इस टाइप से करने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी को यहाँ पे फुल कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे इसकी मास्क की। और इसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जाना है एक एम्प्टी लेयर यहाँ पे और बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को बताता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग ऐप से यहाँ पे ई वाले कलर मतलब इसमें ब्लैक कलर में आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक स्काई ब्लू टाइप का यहाँ पे कलर ले लेना है, ठीक है, या फिर आप लोग जो भी अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ पे ले सकते हो, पर यहाँ पे मैं यही कलर लूँगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे इसे ले लेना है। और इसके बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है डन, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे सर्कल बनाना है। उससे पहले आप लोग की एक एम्प्टी लेयर यहाँ पे बनी रहनी चाहिए, ठीक है,
और ऐसे करने के बाद आप लोग ऐसे सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसके मतलब इसको आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे ऐसे कर लेना है, और ऐसे करने के बाद आप लोग क्या करना है आप लोग को बताता हूँ मैं। तो एक मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कर लेना है डन, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग को इसकी जो ऑपेसिटी है उसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग कर लेना है, और आप लोग अच्छे से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा सा कर लिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करना है, इसे आप लोग डबल भी कर सकते हो अगर आप लोग को और चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करके, तो इसकी मैंने इस मतलब कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको डबल कर लिया हूँ, और इसका थोड़ा सा मतलब ऑपेसिटी यहाँ पे कम कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक PNG और मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसे आप लोग को ऐड करने से पहले यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डन, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने में थोड़ा सा मतलब हमें से बनेगा नहीं, पर यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ऐड फोटो में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग ऐड फोटो में, और यहाँ पे आप लोग को एक मतलब आंसू की PNG मिल जाएगी। तो इसे आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को इसे ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ऐड कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद इसे रेज भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐड, और इसे आप लोग डबल करके अपने मतलब अपने आप को भी लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप लोग ऐसे करोगे तो, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग इसकी ऑपेसिटी भी यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोग करना है तो। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी भी कम कर ले रहा हूँ, और इसकी भी कर लेता हूँ यहाँ पे, और कर लेता हूँ मैं डन, ठीक है। डन करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे जाइएगा आप लोग अपने ड्रॉ टूल में, और अपनी फोटो को कर लीजिएगा यहाँ, और इसके बाद आप लोग को चले जाना है अपने स्नैपचैट ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं, और चले आते हैं अपने स्नैपचैट ऐप में। तो फ्रेंड्स, स्नैपचैट ऐप में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को कर लेना है अपनी फोटो को ओपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे इसकी बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है प्लस मतलब पेंसिल के आइकॉन में, और उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे अमाउंट इसका फुल रखना है आप लोग को 10, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोग ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में कर सकते हो, और उसके बाद इसका जो अमाउंट है उसे कम करके यहाँ पे नीचे मतलब बीच में ना आप लोग को थोड़ा सा ऐसे ऐसे डार्क कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर लेना है, अगर आप लोग को नहीं करना है तो आप लोग नहीं कर सकते हो। यहाँ थोड़ी सी आइज़ नहीं दिख रही, तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा कम कर लिए हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा के, और यहाँ पे अपने आइज़ में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डॉटेड बर्न यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से मैंने अप्लाई कर लिया हूँ, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ डॉटेड बर्न का, तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया हूँ डन, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप लोग यहाँ पे कर लेना है फ्रेंड्स, और इसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ से चले आना है अपने लाइटरूम ऐप में। तो यहाँ पे हम लोग अपने लाइटरूम ऐप में चले आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं अपनी फोटो को, और यहाँ से चले आते हैं अपने लाइटरूम ऐप में। तो फ्रेंड्स, लाइटरूम ऐप में आने के बाद में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को जाना है इस आइकॉन में, और इसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हाइलाइट्स है तो हाइलाइट्स को यहाँ पे बढ़ाऊँगा मैं, शेडोज़ को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे वाइट्स है तो यहाँ पे वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम लोग, ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं साइकॉन में, यहाँ पे मिक्स में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऑरेंज का जो सैचुरेशन है उसे थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे येलो का भी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन का हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन का सैचुरेशन पूरा कम कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसा करने के बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे ब्लू का जो सैचुरेशन है तो ब्लू का सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ह्यू उसका है तो इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा हमारी फोटो लगने लगती है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका ल्यूमिनस जो है उसे यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है। ह्यू को थोड़ा सा कम कराऊँ मैंने, ठीक है। और इसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे और आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करना है आप लोग बताता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ डन, ठीक है। डन करने के बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाऊँगा इस आइकॉन में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे क्लियरिटी बढ़ा के, यहाँ डिहेंस अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे विग्नेट इफेक्ट थोड़ा सा मैं कम कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन अमाउंट बढ़ा के यहाँ पे थोड़ा शार्पनेसिंग बढ़ा लेते हैं, और हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया एडिट हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस टाइप से थी हमारी पिक्सआर्ट और लाइटरूम में, और मतलब पिक्सआर्ट और उसमें स्नैपचैट ऐप में, और हमारी ऐसी हो चुकी है हमारी फोटो। तो फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अपनी फोटो को सेव, ठीक है, और शेयर करके। और फ्रेंड्स, यहीं तक था हमारी वीडियो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।